हाय दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं डिजिटेक के प्रोफेशनल ट्राइपॉड को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ खास इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको एक ट्राइपॉड लेने से पहले पता होना चाहिए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, अगर आप आज की डेट में एज अ बिगिनर एक कॉन्टेंट क्रिएटर हैं, वीडियोग्राफर हैं या फोटोग्राफर हैं और आप चाहते हैं अपने किट के अंदर एक अच्छा ट्राइपॉड एड ऑन करना, जो कि एक बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है हर एक कैटेगरी के लिए, तो गाइस किसी भी ट्राइपॉड को लेने से पहले, किसी भी ट्राइपॉड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एज अ बिगनर, जैसा कि मैंने बात कही है, आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर वन दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ट्राइपॉड अवेलेबल है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको माइंड में रखनी है वो है ब्रांड। आप मेक श्योर रहें कि आप जो ट्राइपॉड खरीद रहे हैं वो अच्छे ब्रांड का ही हो, जिसकी ड्यूरेबिलिटी हो और जिसका नाम आपने सुना हो, ताकि कल को आपको किसी प्रॉब्लम को फेस करना ना पड़े। बिकॉज आप इस ट्राइपॉड के ऊपर अपने महंगे फ़ोन लगाने वाले हैं, अपने कैमरे लगाने वाले हैं, इसलिए आपको एक अच्छी कंपनी का ट्राइपॉड लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर टू दोस्तों, उसकी बिल्ड क्वालिटी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने बिल्ड क्वालिटी चेक किए बिना ही ट्राइपॉड ले लिया हो और बाद में वो किसी कोने में पड़ा हो, इसीलिए आपको बिल्ड क्वालिटी चेक करके ही ट्राइपॉड को लेनी चाहिए। नंबर थ्री दोस्तों, जो है कि ट्राइपॉड हेड, आपके पास एक बढ़िया ट्राइपॉड हेड भी होना ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों, उसमें ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर आप प्रोडक्ट शूट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से शूट कर रहे हैं, तो उसमें ये फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। और लास्ट दोस्तों, आप ये चीज़ ज़रूर चेक कर लेना कि आपका जो ट्राइपॉड है या जो ट्राइपॉड आप खरीदने वाले हो वो कितना लोड ले सकता है। वैसे मेरे हिसाब से उसका वेट कैपेसिटी 4 से 6 किलो तक का होना चाहिए जो ट्राइपॉड आप ले रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम उसके अंदर वाटर लेवल का जो मार्किंग वाला ऑप्शन है वो भी होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपके कैमरे का जो एंगल है वो टेढ़ा तो नहीं। सो गाइस, अब हम करने वाले डिजिटेक के प्रोफेशनल ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग, तो चलिए देखते हैं इसमें है क्या। तो गाइस, बॉक्स को खोलने से पहले यहाँ फ्रंट पे डिजिटेक की ब्रांडिंग हो रखी है, जिसपे लिखा हुआ है प्रोफेशनल डीबी ट्राइपॉड, जिसका मॉडल नंबर है DTR520BH। ये मल्टी एंगल सेंट्रल कॉलम फंक्शन के साथ आ रहा है, पोर्टेबल स्टडी फॉर डीबी कैमराज। और साइड में देखिए फीचर्स के बारे में, इसके अंदर बॉल हेड आपको मिल रहा है, स्टडी रबराइज लेग्स हैं, मल्टीपर्पज हेड फॉर लो लेवल शूटिंग्स एंड पैनिंग, बबल हेड टू एडजस्टेबल हॉरिजॉन्टल पोजीशंस और मल्टीपर्पज हेड फॉर डीवी कैमरास। 2-in-1 है भाई, ये ट्राइपॉड भी है और मोनोपॉड भी है। एंड इसके साइड में स्पेसिफिकेशन की बात करें दोस्तों, इसका मैक्सिमम लोड जो ये ट्राइपॉड ले सकता है दैट इज 7 kg। हाइट इसकी जाती है 4.95 feet और इसको फोल्ड करने के बाद जो इसकी हाइट होती है वो है 445 mm। और इस ट्राइपॉड को जो वेट है वो है 144 kg, जो कि लाइट वेट है। सो चलो इसे खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर है क्या क्या। ये देखो गाइस, इसे साइड करते हैं। ये पाउच है इसके साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है, साथ ही ये ट्रैवलिंग भी बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं इसे लेके, और बहुत लाइट वेट है। जो ट्राइपॉड है वो इसके अंदर ही आया हुआ है, इसे ओपन करते हैं। ये रहा आपका ट्राइपॉड एंड इसके साथ ये कुछ एड ऑन करके दिया हुआ है, जो सारे ट्राइपॉड के हाइट को इंक्रीज करते हैं। ये जो ट्राइपॉड आया हुआ है फ्रेंड्स, ये एक्चुअली उल्टा पैकिंग करके आया हुआ है, आई थिंक स्पेस बचाने के लिए, और काफ़ी बढ़िया पैकिंग है, सॉलिड पैकिंग है। ऊपर देखो दोस्तों, यहाँ पे एक कपड़ा डाला हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्राइपॉड का यूज़ ना करें तो इसके ऊपर कपड़ा डाल कर रखें, ताकि इस पर डस्ट एंड धूल मिट्टी जो है वो ना पड़े, क्योंकि इसका जो मैनुअल मैकेनिज्म है वो अगर ख़राब हो गया तो आप इसको फ्लेक्सिबिलिटी तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। अभी के लिए मैं इस पर कपड़ा वापस से डाल देता हूँ एंड ट्राइपॉड को खोल देता हूँ। सो गाइस, हमने इसे ओपन कर लिया है। अब गाइस, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी आपको अपने इस एंगल को एडजस्टेबल करना है, सो आपको यहाँ पे एक लॉक की दिया हुआ है, जस्ट इस लॉक की को ब्रेक करना है एंड आप किसी भी एंगल्स में इसे मूव ऑन कर सकते हो। तो चलिए फटाफट इसे पूरा ओपन कर लेते हैं। गाइस, फाइनली इसकी जो हाइट है वो एक 4.55 के करीब आ रही है, मेरी हाइट अराउंड 6 feet के करीब है। सो ये है इसका बेसिकली हाइट, बट इसे मैं और भी इंक्रीज कर सकता हूँ, सो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो ये अभी अराउंड 5.5 के करीब आ चुका है एंड इसे हम और भी हाइट कर सकते हैं।
तो ये है फाइनल हाइट, क्योंकि इतना हाइट की ज़रूरत तो नहीं होती एक्चुअली, फिर भी इतनी हाइट की ज़रूरत नहीं तो इसे हम डाउन ही करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपके इक्विपमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। सो फिलहाल मैं आपको चलता हूँ कुछ इसकी यूनिक चीज़ों के बारे में बताने। सो गाइस, ये है इसका क्विक एंड रिलीज, जो कि बहुत ही ईजी तरीके से निकल जाता है। आपका मोबाइल फ़ोन या कैमरा जो है उसे अटैच कर सकते हैं। क्विक एंड रिलीज बहुत ही ईजी है, जस्ट ऐसे ऐड करना है, अनफिट करना है। सो ये फिट हो गया, अनलूज करोगे जैसे ही आप उसको, ये आराम से बाहर आ गया। सो फिलहाल इसके अंदर मैंने कैमरे को यूज़ नहीं किया, मैंने यहाँ पर मोबाइल लगाने के बारे में पूछा। तो मोबाइल लगाने के लिए आपको एक हेड की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, क्योंकि आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट मोबाइल से कैमरे सुनते, तो उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल मैंने इसका प्रोडक्ट मंगाया, इसे मंगाया था अमेजन के थ्रू, एंड वो प्रोडक्ट मेरे पास आ चुका है। मैं आपको उसका भी रिव्यू दूँगा, बट फिलहाल इसके लिए मैं आपको ऐड ऑन करके दिखाता हूँ कि वो जो प्रोडक्ट है उसे कैसे ऐड करना है। सो गाइस, ये है वो हेड जो कि मैंने अमेजोन से मंगाया था, एंड मुझे ये 300 के करीब कुछ तो मिला था। तो चलिए मैं इसे इस पर फिक्स करके दिखाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे ऐड करते हैं। सो ये जो इसका पीछे स्क्रू साइड दिया हुआ है, दोनों को इसमें ऐड करेंगे। सो इसे इस तरीके से फिक्स करेंगे एंड इसे ऐसे टर्न मार के इसे टाइट कर देंगे इसके अंदर। आप देख सकते हो गाइस, बहुत अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। तो इसे हम वापस से इसमें ऐसे रखेंगे एंड यहाँ से इजी तरीके से इसे फिट कर देंगे। तो ये इजी तरीके से फिट हो चुका है। अब हम इसके अंदर लगाएंगे अपना मोबाइल फ़ोन और देखेंगे कि इसका लुक कैसा दिख रहा है, प्लस उसका व्यू कैसा आ रहा है। तो ये है वो मोबाइल फ़ोन जिसे मैं इसमें अटैच करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो इसे कैसे अटैच करते, इसी यहाँ पे स्क्रू को जो है वो ढीला करेंगे एंड इसकी साइज़ को इंक्रीज कर देंगे। हमारे मोबाइल का जितना भी साइज़ होता है उस हिसाब से उसको इंक्रीज करेंगे। तो फाइनली इसकी साइज़ जो है मुझे मोबाइल के साइज़ के हिसाब से प्रॉपर मिल चुकी है। इसे ऐसे रखेंगे एंड यहाँ पे इजी इसी तरीके से टाइट कर देंगे। क्विक रिलीज मेरे भाई बहुत ही इजी तरीके से ये हो जाता है। तो ये एकदम परफेक्ट तरीके से फिट हो चुका है शूटिंग के लिए, एंड यहाँ पे तो आप कॉन्टेंट क्रिएट कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, फोटोग्राफी ले सकते हो, एवरीथिंग सब कुछ के लिए बहुत ही बढ़िया है। सो गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इससे किसी प्रोडक्ट को शूट कर रहे हो या किसी पेनो मोड पे शूट कर रहे हो तो आप उसे कैसे शूट कर सकते हैं। आपको सिर्फ सिंपली इसे थोड़ा सा डाउन करना होगा एंड इसे ऊपर की तरफ ले जाके इसे यहाँ से बैंड करना है एंड इसे पीछे की तरफ हल्का सा पुश करना है एंड यहाँ से इसे फिक्स कर देना। देन आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो मोड है वो आप इजी तरीके से प्रोडक्ट शूट कर सकते हो, और अगर आपको पैनो मोड पे लेना है तो आप उसे इजी तरीके से इस तरीके से शूट कर सकते हो। तो इसमें ये जो पार्ट दिया हुआ है ये काफ़ी अच्छी और यूनिक चीज़ें हैं, क्योंकि कोई भी सस्ते ट्राईपोर्ड के अंदर नहीं आता। अगर आपको इस तरीके के फीचर्स चाहिए तो आपको एक महंगे ट्राईपोर्ड के लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जो मिनिमम 20 to 25,000 के अंदर आती है। सो गाइस, ये तो हो गया ट्राईपोर्ड की बात, एंड अब हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं मोनोपोड में, क्योंकि डिजिटेक जो है वो बोल रहा है कि ये 2-in-1 है, जिसे हम ट्राईपोड में भी यूज़ कर सकते हैं और मोनोपोड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो इसे मोनोपोड में कन्वर्ट करते हैं। सो मोनोपोड में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आना है, आपको देखना है कि यहाँ पर जो इस तरीके का इसका एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिटेक्टेबल मोनोपोड, मतलब इसे हम मोनोपोड में यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे इस तरीके की तरफ ले जाकर इसे बैंड करेंगे और इसे इसी तरीके से क्विक रिलीज करके निकाल लेंगे। इसे हम यहाँ पे रखेंगे एंड इसके लोअर पार्ट्स को बाहर निकालने के हमें यहाँ पे एक एंटी लॉक करके दिया हुआ एल एंगल में, इसे इसी तरीके से डाउन करेंगे एंड इसे यहाँ से लूज करके इसे इसी तरीके से बाहर निकाल लेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास कुछ इक्विपमेंट थे, सो ये है उसका एंटी लॉकर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसके कुछ इक्विपमेंट है, सो इसे आपको यहाँ पे फिक्स करना है इस तरीके से एंड यहाँ पे इस तरीके से फिक्स करना है। सो
फाइनली ये आपका बन गया मोनोपोड। वेल दोस्तों, आपको ये अनबॉक्सिंग कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ आपको इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा इसके प्रोडक्ट के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।